हे गाइस, सबको सुबह की राम राम और सबको बहुत नमस्कार। तो लगता है ना कि ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, और लगता है कि इस समय ना कुछ बहुत ही चटाकेदार, चटपटा और गरम गरम कुछ ऐसा खाया जाए जो मज़ा आ जाए बस खा के। तो आज मैंने सोचा ना कि मटर की कचौड़ी बनाती हूँ, क्योंकि विंटर है और मटर बहुत फ्रेश आए हुए हैं मार्केट में, और उसके साथ बहुत ही चटाकेदार आलू दम है। तो चलिए देखते हैं, मटर की कचौड़ी बनी है और साथ में आलू दम। ये देखिए इसकी स्टफिंग कितनी मज़ेदार लग रही है, और ये गर्मा गर्म इतना यम था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो उसके लिए देखिए, ले लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, कुछ करी पत्ते हैं और धनिया की पत्ती है, और 2 कप हरा मटर है। इन सबको हमको पहले ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। तो आप देख रहे हैं इंडी किचन, और पहले की रेसिपीज़ भी देखिएगा इसके साथ ही साथ, बहुत अच्छी बनी है। पहले भी जो रेसिपीज़ हमने डाली हैं काफ़ी यम बनी है। देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया इसे, इस तरह का पेस्ट बन जाता है। अब हम लोग चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई ले ली है हमने, और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग। ये देखिए डाल दिया। अब इसके साथ वो जो मटर का पेस्ट है ना, वो सारा डाल देंगे, और लो फ्लेम पे इनको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। ऐसा इसलिए भी कि मटर में थोड़ा मॉइस्चर होता है, और आटे में डालो ना तो कभी कभी पूरी या रोटी फट जाती है, और इसको हल्का सा फ्राई कर देने पे बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। तो इसके साथ देखिए नमक और काला नमक, चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और साथ में जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें मिला दी हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका गाइस, ट्रस्ट मी, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिए तो बहुत अच्छी लगेंगी आपको वीडियो, आई एम श्योर। तो ये देखिए, मटर तो हमारा रेडी है, मटर का की जो स्टफिंग है हमारी वो बिल्कुल रेडी है। इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, बाय द टाइम डो बना लेते हैं। तो इसके लिए 2 कप गेहूं का आटा है, साथ में 1/2 चम्मच अजवाइन है, इन्हें क्रश करके डाल दिया है, कुछ चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और 2 चम्मच घी। तो चिली फ्लेक्स से है ना काफ़ी अच्छा एक टेस्ट तो आता ही है, और साथ में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और स्वादानुसार नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला दे रहे हैं। देखिए, मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमको इनका सॉफ्ट डो बना लेना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी डाल के, देखिए बहुत बढ़िया एक सॉफ्ट आटा गूंद लिया है हमने, और उसे ढक के 10-15 मिनट छोड़ देंगे। अब देखिए, इस तरह से गोला करते हुए हमने अपनी मटर की स्टफिंग डाल दी है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगती है तो। ये देखिए, मटर हमने इसमें भर दिया है, और इसे एक गोला बना देंगे। जैसे सारी स्टफिंग भरी जाती है, मूली की, गोभी की, आलू की, उसी तरह से हमने मटर की सारी कर ली है। अब ये तैयार करके रख देते हैं और चलते हैं आलू दम बनाने के लिए। तो आलूओं को देखिए प्रिक कर दिया है हमने फॉक से, इस तरह से, ताकि हमारे मसाले ना अंदर तक जाएं। और ये कच्चा आलू है, इसे छील के और इस तरह से प्रिक कर लिया है। अब इसके लिए देखिए, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और धनिया की पत्ती है, इनको पहले पीस लेंगे हम लोग, क्योंकि मसाले जो हम लोग रेडी करेंगे ना उसमें ये भी मिलाएंगे, पीसी हुई धनिया की पत्ती, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन्हें पीस लेना है अच्छे से। और आधे आधा कप हमने दही लिया है, इनको पहले अच्छे से फेंट लेते हैं, और उसमें मिला देंगे जो हमने अभी पीसा है वो, ये देखिए, और साथ में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। ये देखिए, ये तो मिला लिया हमने। अब इसमें हम लोग सारे मसाले अपने डालेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, वो 1-1 चम्मच है, छोटा चम्मच है हमारा, तो उससे 1-1 चम्मच हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, और इन्हें भी हमें बहुत अच्छा से मिक्स कर लेना है।
एक्चुअली बाउल हमारा थोड़ा छोटा हो गया है, पर कोई बात नहीं, उसमें हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया, मिला लिया। अब ये हमारा ना मसाला रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम लोग, फिर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें तेल डाल दिया है। तो आलूओं को हमको डीप फ्राई करना है, इसलिए तेल की क्वांटिटी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी। ये देखिए इस तरह से हम लोग ना इनको लो फ्लेम पे कवर करके बहुत अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग पका लेंगे। ये देखिए इस स्टेज तक हमको इनको फ्राई करना है। अब हम लोग निकाल लेंगे इसको। हाफ बॉयल हो गए हैं, हाफ से ज़्यादा हो गए हैं, 70% लगभग ये कुक हो गए हैं। बाकी जो 30% है वो जब हम लोग पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए तो ये पक जाएंगे। तो ये देखिए सारे आलू हमारे तैयार हैं। अब हम लोग तेल थोड़ा निकाल लिया है, आधा तेल, और बाकी तेल में जीरा, हरी लाल मिर्च सॉरी, और हींग डाल दिया है। अब इसके साथ हम लोग ना वो मसाले डाल देंगे जो हमने तैयार किए हुए हैं, दही वाले, और इनको लगातार चलाना है। तो आप इंडी किचन देख रहे हैं, और कीप वॉचिंग गाइज, कीप वॉचिंग। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनी हैं, जाके एक बार ज़रूर देखिए और ट्राई कीजिए। अब हमारे जो मसाले हैं वो थोड़े पक जाएंगे तो हम आलू मिला देंगे। और ये देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। डाल दिया है स्वादानुसार, लास्ट में हमने डाला है कि सारी चीज़ों के साथ एक अंदाज मिल जाएगा कि नमक कितना डालना है। तो और मटर डाल दिया है साथ में। तो आलू का दम हो गया मटर के साथ, और कचौड़ी हो गई मटर की। तो बहुत ही शानदार आज का डिनर था हम लोगों का। ये देखिए चार हमने बेल लिए हैं, और इनको अच्छे से हमको ना गोल्डन होने तक कचौड़ियों को तल लेना है। देखिए कितने फूले फूले खस्ते कचौड़ी बन रहे हैं हमारे। ये देखिए बिल्कुल फूल जाएगी, इस तरह से कलछी से थोड़ा सा दबा देंगे ना तो ये देखिए पूरी फूल जाएगी। और ये इतनी अच्छी बनती हैं, टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। तो इस तरह से हम अपने सारे कचौड़ियों को देखिए हम लोग फ्राई कर लेंगे। इस तरह से कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार कचौड़ियाँ बनी हैं। और आइए हम लोग सर्व करते हैं। तो कचौड़ी हम लोगों ने ले ली है, और देखिए हमारा आलू दम कितना लजीज लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग। और इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसे सजा देंगे, और ये हमारा आज का तैयार है मटर की कचौड़ी और आलू दम। इसकी स्टफिंग मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से, ये देखिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेंगी आपको। और ये आराम से बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।